जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अथॉरिटी हूँ और लता जी को ये सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि आप बड़ी सुरीली हैं तो वो खनकती हुई आवाज़ में बोलती हैं मुझे मालूम है अब इसके बाद मेरे पास कुछ बचा नहीं कि मैं आगे क्या बात करूँ कि तो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई और जब जब मैं उनसे मिला अस्सी बरस की हुई तो मैंने उन पर किताब शुरू की और अट्ठासी बरस की हुई तो किताब रिलीज हुई सात से आठ साल तक लता जी बतियाती रही मुझसे और जो सबसे मज़ेदार बात थी जो मैं आने वाली पीढ़ी को अपने से बाद की पीढ़ी से कहता हूँ एक तो फोटोग्राफिक मेमोरी दूसरा हर चीज़ को इबादत की तरह देखना टाइम की पंक्चुअल